पल-पल के लो चाय। क्या सोच रहे हो? दी और जीजू के अलावा कुछ सोच सकती हो क्या? वहाँ एक तरफ दी और जीजू पता नहीं किस हालत में होंगे और दूसरी तरफ माँ पता नहीं किस हालत में होंगी। वो मुझे माँ को दिलासा देना चाहिए था, उनके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ। लेकिन अच्छा है पूरब जो मैं उनके पास नहीं हूँ। अगर उनके सामने होती उनको दिलासा देती तो मैं खुद ही उनके सामने रो पड़ती। पूरब थैंक यू सो मच तुम मेरे साथ हो। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते ना तो मैं ये नहीं कर पाती। एक बात कहो पूरब, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दी के किडनैपिंग में आलिया का हाथ जरूर है। बुलबुल आई डोंट थिंक सो। बुलबुल देखो, तुम्हें किसी पे शक होना अलग बात है, पर और यकीन से कोई बात कहना अलग है। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है और मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। बुलबुल पिछले कुछ दिनों में आलिया में जो भी चेंजेस आए हैं, उसके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आए हैं, उससे कोई भी घर वाला उस पर शक नहीं करेगा। उल्टा सब तुम्हारे पे शक करेंगे कि तुम उस पर बार बार इल्जाम लगा रही हो। और आलिया अभी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपने भाई के साथ? चलो मान लेता हूँ उसने शायद पहले ऐसा करा हो, पर इस वक्त इस सिचुएशन में वो बुलबुल आई डोंट थिंक सो वो फिर से ऐसा करेगी। देखो तुम ज्यादा मत सोचो और ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके ये लो चाय पी लो। बुलबुल ए उठो रे, बहुत हो गया आराम, काम करने की बारी है, उठाओ इसे। प्रज्ञा जी इंटरवल खत्म, अब क्लाइमैक्स की बारी आ गई है। क्या रॉकस्टार, बहुत थक चुका होगा ना तू? हाँ चल कोई बात नहीं, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुझे कहानी सुनाने का बहुत शौक है ना। वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई एक फ्लॉप रॉकस्टार था, बिल्कुल तेरे जैसा। हाँ आवाज अच्छी थी लेकिन उसकी, हाँ बहुत सही गाता था पर दिमाग खराब था उसका। जितने गाने नहीं गाए ना उसने उतनी गलतियां की। सबसे पहली गलती, उस लड़की से शादी की जिससे वो प्यार ही नहीं करता। दूसरी गलती, अपनी लव स्टोरी छोड़ के दूसरों की लव स्टोरी में टांग डालता था, वो भी एक मैरिज हॉल के लिए। तीसरी गलती, अपनी पत्नी के लिए अपनी जान जोखिम में डालता था, वो पत्नी जिससे वो प्यार ही नहीं करता था, जिससे उसे कोई लेना देना ही नहीं। समझदार तो तू है हा? नाम समझ गया है? नाम बताऊं? बोल बोल बोल, समझ गया ना किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? हाँ समझ गया ना। क्या रे, अच्छा खासा गाना गा रहा था, दूसरों के काम में टांग अड़ाने की जरूरत क्या है तुझे? अगर तू मेरे प्लान के बीच में नहीं आता ना तो तू अभी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश होता अपने घर, और मेरी शादी हो चुकी होती बुलबुल के साथ, मैं उसके साथ खुश होता अपने घर। क्यों आए रे तू? शराब चढ़ जाए ना तो खुद को सातवें आसमान पे नहीं चढ़ाना चाहिए, मुंह के बल गिरने का डर रहता है। हा? और इसे ले जाके कहीं सुला दो। अरे मुझे मारने के चक्कर में ये कहीं लड़खड़ा के बिल्डिंग से नीचे ना गिर जाए, अगर ये गिर गया तो तुम्हें तुम्हारे इस काम के पैसे कौन देगा? शांत हो जा, चल। क्या बोला तू? तुझे पता है तेरा यही स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा कमाल का है। अगर तू रॉकस्टार नहीं होता ना, सच बोल रहा हूँ, मेरा खास दोस्त होता तू। और अगर तू कॉर्पोरेटर नहीं होता ना तो शायद एक अच्छा इंसान होता, लेकिन पैसे और पावर ने तेरे दिमाग को खराब कर दिया। ए बहुत हो गई तेरी बकवास, समझा? चल पॉइंट पे बात करते हैं। तूने वो कहावत तो सुनी होगी, सांप ही मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। देख क्या रहा है, यहाँ तू सांप है और मैं लाठी। अब तुझे ऐसे मारना होगा कि तू मर भी जाए और मुझ पे इल्जाम भी ना आए। क्योंकि अब जो मैं करने वाला हूँ वो देख के आपको बुरा तो बहुत लगेगा। अब जाहिर सी बात है ना, एक पत्नी के सामने उसके पति को मारोगे तो बुरा तो लगेगा ना। हाँ लगेगा ना। हाँ क्या ब्रिलियंट आइडिया आया मेरे दिमाग में, मैंने सोचा नहीं था इतना इंटेलिजेंट हूं मैं। ऐसा आइडिया आया है
कि तुम्हारा पति भी मर जाएगा और मुझ पर इल्जाम भी नहीं आएगा। ए गल्ला, पता है इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे पता है तुझे? रॉकस्टार। हाँ, पता है इसे क्या कहते हैं? गन, घोड़ा। जब इसमें से गोली निकलती है ना, तो इंसान की जान निकल जाती है। और मजे की बात बताऊं? मजे की बात यह है कि पकड़ा वो ही जाता है जो इसे चलाता है, क्योंकि पुलिस को उसी के उंगलियों के निशान मिलते हैं। हाथ आगे का प्रज्ञा जी, आपके लिए होली गिफ्ट। पकड़िए पकड़िए, अच्छे से पकड़िए पकड़िए। चलाइए बोलिए। मैंने कहा चलाओ गोली। बेटी, आपने बीपी की दवाई नहीं ली ना? ओए जानकी, अरे मेरी तो जिंदगी दवाइयों पे चल रही है, मेरा क्या? उनका सोच, इनकी जिंदगी अभी शुरू हुई। कितने खुश थे हम सब कि वो घर आने वाले, अब पता नहीं ना जाने कहाँ भटक रहे हो। बीजी, आप चिंता ना करो, देखना वो अभी आ रहे होंगे। जैसे वो पहले गुंडों को धोखा देके आ गए थे ना, इस बार भी देखना वो उनको चकमा देके आ जाएंगे। भगवान करे ऐसा ही हो। भी? सरलास हो गई ना? मैं आपकी दवाई और पानी लेके आती हूँ। दादी, आंखें तो बंद कर ली, अब सोई है या नहीं ये पता नहीं, पर आपको पता है जब माँ बहुत बोलती है ना तो हम लोगों को टेंशन हो जाती है, पर अब जब कुछ नहीं बोल रही है ना तो टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। उर्वी, क्या कर रही है बेटा? अभी तुम मुझे तसल्लियां दे रही थी ना, और अब रो रही है? नहीं, रोते रोते नहीं। ध्यान से सुन, जब इंसान पे ना बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी मुसीबतें आ जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि बहुत जल्दी अच्छे दिन आने वाले। बेटा, हर दिन एक सा नहीं होता, अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं छोड़नी। बिल्कुल हिम्मत नहीं छोड़नी मेरा बच्चा। सब ठीक है।